फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी रू के प्रोडक्शन। कैसे आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 20 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 15 अप्रैल को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 3:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। पहली टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स बुरी तरह पीट के आ रही है, पिछला 5 के 5 मैच अपना हार के आ रही है। तो अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 2 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 6 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स 4 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर भी बेंगलोर 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 50% देखने को मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 30% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 173 है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 161 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 212 है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 207 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 123 है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 117 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे लगभग कंपेरिजन के मामले में दोनों का इक्वली परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो पढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच वेदर कैसे रहेगी, 32.2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 21% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में 160-165 में भी रन लग सकती है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 145 रन लगभग लग सकती है। इस पिच पे अभी तक टोटल 85 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीतकर बॉलिंग करती है तो उस टीम के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड में थोड़ी सी रन यहाँ पर कम सकती हूँ। अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर चेस कर सकती है, यानी कि कह सकते हैं इस पिच पे जो भी टीम अगर स्ट्रांग होगी वो मैच जीत सकती है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। दूसरी टीम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट कुछ मैच में परफॉर्मेंस अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पिछले मैच की बात करें तो पिछला मैच अपना सारा हार के आ रही, तो इस बार दिल्ली पूरी कोशिश करेगी यह मैच जीतने के लिए। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जोर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉल। तो फाइनली हमें हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, अब चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, व्यू को कमेंट सेक्शन में जोर में आंसर कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।